वन कर्मियों के धरना प्रदर्शन को आज 13 दिन पूरे हो चुके हैं, पर सरकार की ओर से किसी तरह का आश्वासन वन कर्मियों को नहीं मिला है। बता दें कि वन कर्मी कटघोरा वन मंडल कार्यालय के निकट टेंट लगाकर अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने में बैठे हैं। वन कर्मियों की माने तो जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं करती तब तक वन कर्मियों का धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। अगर देखा जाए तो इनकी ये मांगे कुछ हद तक जायज भी है। अब सरकार कब तक वन कर्मियों की मांगों पर ध्यान आकर्षण करेगी यह तो सरकार ही जाने। बता दें कि वन कर्मी वनों की रक्षा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, इन्हीं की वजह से जंगल सुरक्षित रह पाते हैं। वहीं वन कर्मियों के हड़ताल में बैठे जाने से जंगल की सुरक्षा खतरे में है। कई स्थानों में आग लगने जैसी घटनाएं हो रही है तो कहीं मौका परस्त खनन माफियों व लकड़ी तस्करों के लिए सुनहरा अवसर प्रतीत हो रहा है, जो बेखौफ होकर अपने अवैध कार्यों को बड़ी सरलता से अंजाम दे सकते हैं। कटघोरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। मैं उषा सोनवानी, जड़गा वन परिक्षेत्र से तुमान डिप्टी रेंजर। आज हम लोग का धरना को 13वां दिन। अभी तक सरकार की तरफ से हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, क्योंकि सरकार मौन बैठी हुई है। हमारा धरना ऐसी जो नियमता चल रहे वैसी हमारा धरना आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि जब तक शासन के द्वारा हमको लिखित जो आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। इसको लेकर हम यही बोलना चाहते, जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगा हम लोग वापस नहीं लौटेंगे, और जो भी वन में हो रही है घटना, जो भी प्रतिक्रिया हो रही है, उसका संपूर्ण जवाबदार शासन प्रशासन के ऊपर है।